हेलो एवरीवन, हम लोग एंशियंट इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर सीरीज कर रहे थे और इसमें हम लोगों ने, अगर आपने लास्ट वीडियो देखा हो तो बुद्धिज़्म तक कर लिया था। हम लोग कर रहे थे राइज ऑफ न्यू रिलीजन्स, तो बुद्धिज़्म हम लोगों ने कर लिया था और आज हम लोग जैनिज़्म करेंगे। तो बुद्धिज़्म जैनिज़्म क्यों डेवलप हुए, क्या हमारे वैदिक जो रिलीजन था उसमें क्या प्रॉब्लम आ गया था। मैंने बताया था कि ब्राह्मणिज्म आ गया था, रजिस्ट्री आ गई थी, काफ़ी सारा कास्टिज़म और जेंडर आइडेंटिटीज काफ़ी ज़्यादा रिजिड हो गई थी। इन सब से एक बोल सकते हैं कि एक अपोजिट फिलॉसफी, इंडिविजुअल एजेंट पे फोकस करने वाली बुद्धिज़्म और जैनिज़्म की डेवलप होना स्टार्ट हुई। तो हम लोग करने जा रहे हैं जैनिज़्म, तो जैनिज़्म हम लोग करेंगे। तो बुद्धिज़्म और जैनिज़्म एक दूसरे के कंटेम्पररी थे, मतलब ऐसा नहीं है कि बुद्धिज़्म और जैनिज़्म में बहुत ज़्यादा गैप था। और आप देखेंगे कि टीचिंग्स में भी काफ़ी हद तक सिमिलरिटीज़ हैं, मतलब डिफरेंसेस भी हैं बट सिमिलरिटीज़ भी हैं, बट कंटेम्पररी थे, टाइम मतलब दोनों का एक ही था जब ये फिलोसफीज डेवलप हो रही थी इंडिया में। तो जैनिज़्म जो है वो एक्चुअली आप समझ लीजिए जैन वर्ड कहाँ से आया, तो जैन आया है जीन। जीन क्या है, तो जीन संस्कृत में है विक्टर, कंकरर, कैसा बंदा जिसने अपनी जो है इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली हो, तो उसको हम लोग जैन बोलते हैं। तो जैन जो है एक एसेटिक ग्रुप था, जिनकी जो डॉक्ट्रिन थी वो थी कि सल्वेशन हमें मिलेगा बाय फॉलोइंग सर्टेन सेट ऑफ डॉक्ट्रिन्स, तो वो बाय फॉलोइंग सर्टेन कोड ऑफ कंडक्ट। तो जैनिज्म की अगर हम बात करें तो इट ओरिजिनेटेड बिफोर बुद्धिज्म, इसका भी हम ओरिजिनल बिल्कुल पिन पॉइंट नहीं कर सकते कब से स्टार्ट हुआ। बट जो महावीर हैं, जैसे मैंने बताया था कि सिद्धार्थ गौतम जो थे, शाक्यमुनि गौतम जो थे, शाक्यमुनि बुद्धा, वो पहले बुद्धा नहीं थे, उससे पहले भी बुद्धा हुए थे, बट उनके नाम से ही हम बुद्धिज्म को रिकग्नाइज करते हैं। वैसे ही जैनिज्म को हम लोग रिकग्नाइज करते हैं महावीर स्वामी से, बट अगर आप देखेंगे तो महावीर स्वामी ओरिजिनल फाउंडर नहीं थे जैनिज्म के, महावीर स्वामी तो जैनिज्म के 24वें तीर्थंकर थे, 24th तीर्थंकर थे। तो जैनिज्म में अगर बात की जाए तो उनकी खुद की ये फिलॉसफी है कि दिस रिलीजन इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट, पर इट हैज नो डेट्स ऑफ ओरिजिन। जैन की जो थियोलॉजी है वो मानती है कि तो ओल्डेस्ट रिलीजन है, इसकी कोई बिगनिंग नहीं, कोई एंड नहीं है। तो महावीर स्वामी को इसका हम लोग फाउंडर नहीं बोलें तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक, अगली चीज मैंने बताया कि महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे, तो फिर अगला क्वेश्चन उठता है तीर्थांकर क्या होता है। तो तीर्थांकर इज ए फाउंडर ऑफ तीर्थ, इनलाइटेनमेंट खुद अचीव करता है जो बंदा, और जो दूसरों को इनलाइटेनमेंट का रास्ता दिखाता है, पाथ दिखाता है, मोक्ष का, लिबरेशन का। जैसे मैंने बताया 24 तीर्थांकर हुए, तो जो पहले तीर्थांकर हुए थे वो ऋषभदेव थे और 24वें तीर्थांकर महावीर स्वामी हुए थे। तीर्थ वैसे हम लोग जैसे रिलीजियस प्लेसेस को बोलते हैं ना, काशी तीर्थ है और बद्रीनाथ, केदारनाथ, ये तीर्थ यात्रा, तो वही तीर्थ ये वर्ड जो है एक तरीके से कॉमन बोल सकते हैं। तो ऋषभदेव की मैंने बात की कि ऋषभदेव जो थे, ऋषभदेव जी वो जैनिज्म के सबसे पहले तीर्थांकर थे। इनका जन्म अयोध्या में हुआ था और ये विष्णु के अवतार भी माने जाते हैं, इनकार्नेशन भी माने जाते हैं, भगवत पुराण में इनका जिक्र भी है। और ये भी माना जाता है कि ऋषभदेव के दो पुत्र थे, एक भरत थे जो कि चक्रवर्ती सम्राट थे, एक बाहुबली थे। बाहुबली मूवी वाले बाहुबली से कन्फ्यूज मत होइएगा, बाहुबली किंग भरत के छोटे भाई थे, और जो भरत थे उनके नाम पे ही इंडिया को भारतवर्ष बोलते हैं। ये अलग बात है कि हिंदू माइथोलॉजी में भरत जो है दुष्यंत के बेटे माने जाते थे, बट इन भरत के नाम पे हम लोग जो है भारतवर्ष का नाम मानेंगे। भरत और बाहुबली दो भाई थे। तो भरत और बाहुबली में जो है किंगडम को लेके लड़ाई हुई थी, दोनों में डिस्प्यूट हुआ था, और फिर बाद में जो बाहुबली जो छोटा भाई था उसने अपने बड़े भाई के रेस्पेक्ट में किंगडम छोड़ दिया था, रिनंसिएशन ले लिया था, और जो बाहुबली हैं उनको गोमतेश्वर भी बोलते हैं। कर्नाटका में जो है इनकी एक बहुत बड़ी स्टैचू है, करीब 60 फीट की, एग्जैक्टली मुझे नहीं आते, बट 60 फीट की, श्रावण बेल गोला डिस्ट्रिक्ट में, श्रावण बेल गोला हसन डिस्ट्रिक्ट में,
और ये बनाई तो गई थी करीब 900,000 आफ्टर डेथ, और ये काफ़ी ऊंची है। और इनकी और भी स्टैचूज हैं उडुपी, कर्नाटका, मैसूर में, मतलब कर्नाटका में काफ़ी जैनिज्म फैला था, इससे ये पता चलता है। अच्छा, पार्श्वनाथ अगर आपने सुना हो तो पार्श्वनाथ भी एक तीर्थंकर थे फेमस, और महावीर 24वें तीर्थंकर। महावीर स्वामी की जो है हमें पता होना चाहिए, महावीर स्वामी भी एक प्रिंस थे। एक्चुअल इनका नाम वर्धमान था, और वो मेडिटेशन में और कंटम्प्लेशन में चले जाने के बाद उन्होंने किंगडम छोड़ दी थी, अपनी वर्ल्डली पोजीशन छोड़ दिया था। काफ़ी कुछ सिद्धार्थ गौतम से मिलता है। प्रिंस लोगों को बहुत मतलब शौक था अपने राजपाट छोड़ने का, तो फिर उनको मेडिटेशन के बाद कैवल्य मिल गया, कैवल्य को बोलते हैं ज्ञान मिल गया, और उन्होंने जो है फिर बाकी लोगों के स्पिरिचुअल फ्रीडम के लिए निकल पड़े वो घर से बाहर। और जैनिज्म में जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं इन सब की, जो मेन है वो मैंने आपको अभी एक वर्ड बताया, कैवल्य ज्ञान। कैवल्य ज्ञान का मतलब है यूनिवर्सल ट्रुथ, देर आर सर्टेन यूनिवर्सल ट्रुथ जो हमें पाने हैं। वैसे कैवल्य का मतलब होता है एब्सोल्यूट नॉलेज, एक ऐसा नॉलेज जो हमें इनलाइटनमेंट दिलाए, उसको बोलते हैं कैवल्य ज्ञान, जिससे हमारा सोल जो है, जो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ नॉलेज जो अटेन कर सकती है इनलाइटनमेंट के लिए, उसे कैवल्य ज्ञान कहते हैं। जैनिज्म की जो कॉस्मोलॉजी है, जो उनका यूनिवर्स का जो कॉन्सेप्ट है कि ये हमारी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, तो वो कुछ चीज़ों पे बेस्ड हैं, जैसे कि वर्ड जो है वो जीव, अजीव, मैटर, तत्व, स्पेस टाइम से मिलके बना है। ये जो वर्ल्डली लाइफ है इसको संसार कहते हैं, ये सफरिंग से भरा हुआ है, वही बुद्धिज्म वाली बात हो गई। रेनन्सिएशन इसका रास्ता है, मुच इसे लिबरेशन को बोलते हैं। इसके लिए हमको जो जैनिज्म है उसमें कुछ फंडामेंटल व्रत बताए गए हैं, पांच महाव्रत हैं, अहिंसा, नॉन वायलेंस, सत्य, ट्रुथ, अस्तेय, नॉन स्टीलिंग, चुराना नहीं है, ब्रह्मचर्य, चैस्टिटी, अपरिग्रह, नॉन पजेशन, नॉन अटैचमेंट, अटैचमेंट की फीलिंग नहीं रखना, जो भी हम सामान जमा कर रहे हैं उसमें पजेशननेस, पजेसिवनेस नहीं आए, ये कहलाता है अपरिग्रह। तो ये पांच महाव्रत हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। और त्रिरत्न है, राइट नॉलेज, राइट व्यू, राइट कंडक्ट, ये कुछ कुछ अष्टांग मार्ग की तरह है। अच्छा, जैनिज्म में भी सेक्ट डेवलप हुए थे, जैनिज्म में भी सेक्ट डेवलप हुए थे, जैसे हीनयान महायान थे वहाँ पे, वैसे जैनिज्म में भी दिगंबर और श्वेतांबर ये सेक्ट डेवलप हुए थे। दिगंबर और श्वेतांबर ये जो सेक्ट हैं वो महावीर स्वामी के जाने के करीब 200 साल बाद ये स्प्लिट हुआ था, मौर्य एरा के आसपास हुआ था। दिगंबर वो थे जो बहुत रिजिडली मानते थे, नेगेट रहते थे। दिगंबर दिशाएं ही जिनका अंबर है, मतलब कपड़े हैं, दिशाएं हैं जिनके कपड़े हैं, तो उनको एक्चुअल कपड़े पहनने की कोई ज़रूरत ही नहीं। श्वेतांबर जो थोड़े से लिबरल थे, कपड़े पहन लेते थे, वाइट क्लॉथ, श्वेत अंबर, वाइट कलर के क्लॉथ पहन लेते थे। तो जैन में भी इस तरह से होती रहते थे, मैंने बताया था जब बुद्धिज्म की जैसे संगीति होती रहती थी, कॉन्फ्रेंस होती रहती थी, जैनिज्म की भी होती थी कॉन्फ्रेंसेस। और स्थूल भद्र थे जिन्होंने पहली कॉन्फ्रेंस कराई थी, और गुजरात में हुई थी दूसरी कॉन्फ्रेंस। सिंबल आपको अगर दिख रहा हो पिक में, तो जैनिज्म का ये सिंबल है, 1975 में महावीर स्वामी के 2500 वाली एनिवर्सरी थी, उसमें उस ऑस्पिशियस ओकेजन पे जो है अडॉप्ट की गई थी। इस एम्ब्लेम में आप देखेंगे सारी जो उनकी टीचिंग्स हैं नॉन वायलेंस की, ये जो हाथ आपको दिखाई दे रहा है रेज्ड हैंड, ये जिसने किसी को हम शांति के लिए, आप गौतम बुद्ध या महावीर स्वामी का देखेंगे तो एक हाथ इस तरीके से रेज्ड रहता है, तो ये ब्लेसिंग का हाथ है, नॉन वायलेंस और ब्लेसिंग का हाथ है। स्वास्तिक का सिंबल है, स्वास्तिक तो खैर शुभ सिंबल होता ही होता है। स्वास्तिक के जो चार पार्ट होते हैं, हेवन, ह्यूमन, एनिमल, हेल, इन चारों के बीच में बैलेंस थ्रू तीन जो ऊपर पॉइंट्स दिख रहे हैं, राइट फेथ, राइट नॉलेज, राइट कंडक्ट, ये ट्रिपल डॉट है। ऊपर एबोड ऑफ द लिबरेटेड सोल, मोक्ष प्राप्ति के बाद। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस ऑफ ऑल लाइफ दिखाते हैं। अच्छा, जैन जो लिटरेचर है वो आगमास कहलाते हैं,
महावीर स्वामी की उसमें सारी टीचिंग्स जो हैं वो उसमें 45 टेक्स्ट में दे रखी हैं। तो जैन जो लिटरेचर है उसमें कई अंग हैं, कई सूत्र हैं। नोटेबल जो पॉइंट्स हैं वो यही है कि कुछ चीज़ें संस्कृत में हैं, कुछ तमिल में हैं, कुछ हिंदी में हैं, कुछ इनका लिटरेचर जन्म का कन्नडा में है। रॉयल पैटर्नेज मिला था अशोका के ग्रैंडसन से, मिला था उड़ीसा के किंग से, मिला था किंग खारवेला, जैन रॉकेट केव्स बनाई थी। राष्ट्रकूटाज ने तो जैनिज्म को बहुत पैटर्नाइज किया था, चालुक्यास साउथ इंडिया के किंग्स थे। राष्ट्रकूट डायनेस्टी ने किया था, चालुक्यन रॉकेट आर्किटेक्चर बादामी की रॉकेट केव्स सबको पता है, ऐहोल की जैन तीर्थंकर के ऊपर है। जैन जो रिलीजन है वो थोड़ा सा नॉन वायलेंस पे बहुत ज़्यादा बिलीव करता है। इसकी वजह है कि जो मर्केंटाइल कम्युनिटी है वो इसके ऊपर काफ़ी अट्रैक्ट हुई थी, वायलेंस नहीं करना है। चंद्रगुप्त मौर्य भी जो है वो अपनी बाद में वो जैनिज्म उन्होंने अडॉप्ट कर लिया था भद्रबाहु के नाम, भद्रबाहु संत के अंडर, और कर्नाटका चले गए थे सावन बेल गोला केव्स में। फिर जैनिज्म की जो मेटा फिजिक्स है, जो फिलॉसफी है, वो काफ़ी कुछ सांख्य फिलॉसफी से मिलती है। हम लोगों ने डिस्कस किए सांख्य फिलॉसफी वैदिक रिलीजन में। एलोरा में मैंने बताया था कि हिंदू केव्स भी हैं, या वैदिक केव्स भी हैं, बुद्धिस्ट केव्स भी हैं, जैन केव्स भी हैं, सब दिगंबर सेक्ट वाली हैं। उदयगिरी में टाइगर केव्स जैनिज्म पे हैं। फिर बाकी कुछ और पॉइंट्स अगर मुझे मिलते हैं जैनिज्म से रिलेटेड तो मैं अलग से इनके सब टॉपिक्स भी दूंगा। मेजर पॉइंट्स हम लोगों ने आई थिंक कवर कर लिए हैं। इसके आगे हम लोग जो है महाजनपद जब बनने लगे थे और बड़ी बड़ी किंगडम्स बनने लगी थी, मौर्यन एम्पायर, गुप्तन एम्पायर, तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के सीरीज में। थैंक यू।